हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अप्रैल 1991 यानी 12 अप्रैल 1991 को रिलीज़ हुई दो बड़ी फिल्मों के बारे में। दोस्तों उस दिन रिलीज़ हुई थी दो बड़ी फिल्में एक साथ। एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की अजूबा और दूसरी फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की शिकारी। और सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये दोनों ही फिल्में अजूबा और शिकारी भारत और रशिया के सहयोग से बनी थी, यानी को प्रोडक्शन थी ये फिल्म। और दोनों ही फिल्मों में बहुत सारे रशियन कलाकारों ने भी काम किया था। और इसके अलावा इन दोनों ही फिल्मों यानी अजूबा और शिकारी दोनों ही फिल्मों में अमरीश पुरी ही मुख्य खलनायक थे और दोनों ही फिल्मों में दारा सिंह मेहमान भूमिका में नजर आए। दोनों फिल्मों में अजूबा जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन आज भी वो मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। दरअसल फिल्मों के अलावा मैं कॉमिक्स का भी बड़ा दीवाना रहा हूँ और आज भी मैं कॉमिक्स कभी भी समय मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। और अजूबा देखते समय मुझे कहीं कहीं वही कॉमिक्स वाली फीलिंग आती है। एक सुल्तान, वजीर, मल्लिका, बिछड़ा हुआ बेटा, जादुई कालीन, खतरनाक शैतान, सब कुछ कॉमिक्स वाली फीलिंग और बहुत ही मतलब मनोरंजन से भरपूर थी ये फिल्म अजूबा। लेकिन अफसोस भारी भरकम बजट था और फिल्म को बनने में भी काफ़ी टाइम लग गया। अजूबा दरअसल राज कपूर खुद निर्देशित करने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से बाद में इसे शशि कपूर ने स्टार्ट। लेकिन अफसोस इस फिल्म के फ्लॉप होने से शशि कपूर का काफ़ी पैसा डूब गया, वो कर्जे तक में। खैर बॉक्स ऑफिस पर इसका कुछ भी रिजल्ट रहा हो, भी ये फिल्म टीवी पर काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी देखी जाती है। दोस्तों अजूबा के साथ ही रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती की शिकारी, जिसे निर्देशित किया था उमेश मेहरा ने। शिकारी में मिथुन दा के अलावा नसीरुद्दीन शाह, वर्षा उसगांवकर, गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी अहम भूमिकाओं में नजर। अजूबा की ही तरह शिकारी भी टिकट खिड़की पर उस समय कोई कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इन दोनों ही फिल्मों को काफ़ी नुकसान हुआ। शिकारी को उमेश मेहरा ने काफ़ी बड़े स्केल पर बनाया था अजूबा की ही तरह, लेकिन अफसोस कि शिकारी भी अजूबा की ही तरह दर्शकों द्वारा पूरी तरह से नकार दी गई।